कोरोना बीमारी से गंभीर रूप में पीड़ित मरीजों के लिए जिला प्रशासन ने पेड प्राइवेट हॉस्पिटल की शुरुआत की है, जिसके तहत जिला प्रशासन के कब्जे में आए पनीसिया हॉस्पिटल को आईएमए के द्वारा पेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन बुधवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एससी कौशिक सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए सरकारी रेट पर गंभीर मरीजों का इलाज पनेसिया हॉस्पिटल में किया जाएगा। इसी के साथ रेलवे हॉस्पिटल और टीवी हॉस्पिटल में भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने लोगों से, खासकर गर्भवती महिला और बुजुर्गों से अपील किया है कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत जांच करा ले, जिससे समुचित इलाज हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, देखिए यहाँ गोरखपुर में और पूर्वांचल में जो कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसी दिशा में हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें शामिल किए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक अच्छा पहल गोरखपुर में किए हैं, उन्होंने आज 70 बेड का शुरुआत उन्होंने L2 लेवल का, यानी थोड़ा सीरियस पेशेंट का उन्होंने इलाज करना कोविड पेशेंट का शुरू किए। एक पनेसिया हॉस्पिटल है, सरकार का कब्जा में था, हम लोग का कब्जा में था, उसी का उन लोग दिए थे हम लोग, और उसी का सारे डॉक्टर मिल करके आज से प्रारंभ करा रहे हैं। और खुशी की बात है, उस पर 15 वेंटिलेटर है और भी सुविधा है, और किसी का थोड़ा सीरियस है, मतलब मान लीजिए सांस लेने में परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वो आराम से आकर के यहाँ भर्ती कर सकते हैं। वैसे वो पेड फैसिलिटी है, सरकार में रेट निर्धारित किए हैं, उसी के मात्रा के अंदर ही लेंगे वो। उसके अलावा और प्राइवेट प्लेयर को भी हम आगाह किए हैं, उन लोग भी आ रहे हैं। उसके अलावा आज 25 बेड का रेलवे में भी हम लोग प्रारंभ कर दिए L2 फैसिलिटी, वो किसी मरीज का वहाँ भी हो सकता है। उसके अलावा हमारा टीवी हॉस्पिटल भी चल रही है, गरीब मरीज जो है, किसी का पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो आकर के हमारा रेलवे हॉस्पिटल में, नहीं तो यहाँ भर्ती होकर के इलाज कर सकते हैं। हम धीरे धीरे करके इलाज का संख्या बढ़ाएंगे, पर मैं जनता का मैं अपील करना चाहता हूँ, खासतौर पर देखिए बुज़ुर्ग है और किसी न किसी परेशानी से पीड़ित है, गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, कृपया करके बाहर ना निकालें, ताकि ये इन्हीं लोगों का बचाना हमारे लिए काफ़ी चुनौती पूर्ण रहा है। और बाकी लोग हल्का फुल्का जो बुखार है, हल्का फुल्का जो उस पर किसको आया है, होम क्वारंटाइन से ही निकल करके सही हो जा रहे हैं, बट ये लोग हैं, हमने बताया किसी का 55 साल 60 साल बुज़ुर्ग है और किसी न किसी बीमारी से पहले ग्रस्त है, और गर्भवती महिला है, बच्चे हैं, इन लोगों का बचाना हमारे लिए काफ़ी चुनौती है। शासन का, प्रशासन का साथ दीजिए, और सरकार ने जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, हाथ बार बार धोने के लिए कह रही है, इसके अलावा कोई उसका इलाज नहीं, अभी भी हम लोग के पास कोई इलाज नहीं कोरोना का। आप भी बचे रहिए और हमें भी सहयोग करिए, यही मैं जनता को अपील करना चाहता हूँ।